हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फीलिंग फूडीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्री रमजान प्रिपरेशन का पार्ट सेकंड। इसका पार्ट फर्स्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा है या नए हैं वो जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम आपको इस वीडियो में 5 फ्रोजन रेसिपी बनाना सिखाएंगे। रमज़ान आने वाले हैं तो हम इस ब्लॉग्स में रमज़ान में बनने वाले इफ्तार रेसिपी को पहले से बनाकर कैसे उनको फ्रोजन कर सकते हैं और फिर उनको कैसे फ्राई कर सकते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ बंद गोभी काट रही हूँ। सब्जी में हमने बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और लहसुन लिया है। हमें सभी सब्जियों को बारीक ही काट लेना है। हमें ये सब्जी दो अलग तरह की फिलिंग के लिए कट करनी है। आप देख सकते हैं हमने दोनों तरह की फिलिंग के लिए सब्जियों को काट कर तैयार कर लिया है। जिस प्लेट में लहसुन और प्याज नहीं है वो सब्जी पैटीज के लिए है। स्प्रिंग रोल में थोड़ा ज़्यादा ही सब्जियाँ डाली जाती हैं और पैटीज में दो तरह की सब्जी से भी काम चल जाएगा। बातों ही बातों में आपको ये बताना तो भूल ही गई कि हम चिकन पैटीज और चिकन समोसा, चिकन स्प्रिंग रोल बनाएंगे। तो चिकन पैटीज के लिए हम यह चिकन मैरिनेट कर लेंगे। चिकन चीज़ी पैटीज की रेसिपी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिटेल में जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साइड में 30 से 35 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। हम यहाँ पहले स्प्रिंग रोल की फिलिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर लेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें हम लहसुन डालेंगे और साथ ही हरी मिर्च भी डाल देंगे। 2 से 3 सेकेंड फ्राई करेंगे। इसके बाद बारीक कटी सारी सब्जियों को डाल देंगे और इन सबको 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और ये थोड़ी सी चिल्ली सॉस भी डाल देती हूँ। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिल्ली सॉस को स्किप कर दें। इनको मिक्स करेंगे, मिक्स करना है, पकाना नहीं है। फिर इसमें बॉयल श्रेडेड चिकन डाल देंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। और ये फिलिंग बनकर तैयार है। इसको एक बाउल में निकाल कर रख देंगे इसको साइड में। और आप चिकन चीज़ी पैटीज की फिलिंग बना लेंगे। उसके लिए 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और 1 टेबलस्पून ही बटर लेंगे। सबसे पहले हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए पहले 1 से 2 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और इसको ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता। जब चिकन हमारा गल जाएगा तब इसको श्रेडेड कर देंगे इस तरह से।
और बाउल में निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं हमने चिकन को श्रेडेड कर लिया है। और अब हम सब्जियों को फ्राई करेंगे। उसके लिए 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून बटर लिया है। और अब हम सारी सब्जियों को डाल देंगे इसमें और साथ ही मसाले भी डाल देंगे। अगर आप बिना चिकन के बनाना चाहते हैं तो बस लास्ट में चिकन मत ऐड करिएगा। डिटेल वीडियो जैसे मैंने बताया आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जाकर आप वहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ हमने नमक, काली मिर्च पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स, विनेगर, ओरिगेनो और सोया सॉस डाली है। आप चाहें तो चिल्ली सॉस भी डाल सकते हैं। और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये फ्राई श्रेडेड चिकन डाल देंगे और इनको मिक्स करेंगे। यहाँ हम चिकन चीजी पैटीज बना रहे हैं तो हम यहाँ चीज स्लाइस डाल देंगे। आप किसी भी तरीके का चीज यूज कर सकते हैं। मुझे यहाँ चीज़ कम लग रहा है इसलिए मैं एक और स्लाइस को डाल दूंगी और फिर से इसको मिक्स करेंगे। और अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये हमारी चिकन चीज़ी पैटीज की फिलिंग भी तैयार हो गई है। और ये हम ग्लू तैयार करेंगे पेटीज समोसे को चिपकाने के लिए। तो उसके लिए 1 बाउल में 2 टेबल स्पून मैदा और 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे। इसमें हम पानी डालकर पतला घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसको हम साइड में रख देंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे चिकन चीज़ी पैटीज। इस तरह के समोसा सिर्फ मार्केट में इजीली मिल जाती हैं और अगर ना मिले तो ऑनलाइन मंगा लेना, आपके घर आराम से पहुंच जाएंगी। और हाँ, एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जितनी सीड्स आपकी बच जाएं उनको अच्छे से पैक कर देंगे ताकि हवा इसके अंदर ना जाए। अगर हवा चलेगी तो ये सीड्स बेकार हो जाती हैं, यूज़फुल नहीं होती। हमें इस तरह से 2 पट्टी को रखना है। बीच में फिलिंग रखनी है 1 टेबल स्पून। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड हमें बहुत ध्यान से करना है। सबसे पहले हम नीचे वाली पट्टी का फर्स्ट फोल्ड लेंगे, फिर उसके बाद हम सेकंड रखी पट्टी का फर्स्ट फोल्ड लेंगे, फिर उसके बाद हम सेकंड पट्टी का सेकंड फोल्ड लेंगे। और लास्ट में हम फर्स्ट पट्टी का सेकंड फोल्ड ले लेंगे। इस तरह से हमारी पैटीज बनकर तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको इसी फीलिंग से चिकन समोसा भी बनाना बता देती हूँ। हमें एक पट्टी लेनी है और उसको इस तरह से फोल्ड करके 2 फोल्ड लगा देने हैं और फिर हाथों में लेकर इसके अंदर फिलिंग भर देंगे। और अब ग्लू जो हमने बनाई थी उसे लगाकर इस तरह से 2 फोल्ड लगा देंगे। तो चिकन समोसा में टोटल 4 फोल्ड लगा लेने हैं।
और ये हमारे चिकन पेटी चिकन समोसा बनकर तैयार है। अब इसको फ्रोजन कैसे करना है? फ्रोजन हम दो तरह से कर सकते हैं। एक एयरटाइट डिब्बे में इस तरह से रखकर, और दूसरा इस तरह के जिपलॉक मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और अगर ना मिले तो इनको भी आप ऑनलाइन मंगा लेना। मैंने कुछ मार्केट से और कुछ ऑनलाइन मंगवाए थे, आपके पास दोनों तरह के ऑप्शन हैं। और अब चलते हैं हम स्प्रिंग रोल बनाने के प्रोसेस में। स्प्रिंग रोल सीट भी वहीं मिल जाएगी जहाँ समोसे की मिलेगी। मैं यहाँ रेडीमेड स्प्रिंग रोल की सीट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको आप घर पे भी बना सकते हैं। और ये सीट कुछ इस तरह की दिखती है। सबसे पहले हम सीट्स को इस तरह से रखेंगे और फिर फिलिंग को कोने से थोड़ा ऊपर रखेंगे ताकि फोल्ड करने में आसानी हो, और फिर इसको दो फोल्ड लगाएंगे और ग्लू को साइड के दोनों कोनों पर लगा देंगे और फिर दोनों कोनों को भी फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और लास्ट में फिर से ग्लू लगाकर फोल्ड को कंप्लीट कर देंगे। और ये हमारा स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है। सभी को हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको इनको अभी फ्राई करना है तो अभी फ्राई कर लीजिए, अगर फ्रोजन करना है तो फ्रोजन कर लीजिए। अगर आपको डिब्बे में फ्रोजन करके रखना है तो इस तरह से रखिएगा, कहीं से टेढ़े मेढ़े ना हो। और अगर जिप लॉक में रखना है तो इस तरह से रखिएगा। और अब हम चिकन बॉल्स की तैयारी करेंगे। उसके लिए हमने 250 ग्राम चिकन का कीमा लिया है जिसको हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन डालेंगे, साथ ही 1 टेबल स्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, वन टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टी स्पून चिल्ली फ्लेक्स, और ये 2 टेबल स्पून कद्दूकस की हुई प्याज जिसको हमने अच्छे से निचोड़ लिया था उसको डाल देंगे, और साथ ही हम आधा टीस्पून हरी चटनी डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसमें बहुत माइंड से मसाले जाते हैं, ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं होता है। इनको हमें अच्छे से मिक्स करना है और अब इसको रख देंगे साइड में। अब एक प्लेट लेंगे, इसमें हमें 4 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेना है, और मिक्स कर देंगे इनको अच्छे से। और अब जो चिकन का कीमा तैयार किया था उसमें से थोड़ा कीमा लेंगे 1 नींबू की साइज़ का, और उसको बॉल बनाकर इस तरह से चपटा कर लेंगे। इसमें मोजरेला चीज़ के क्यूब डालकर इसको इस तरह से दबाते हुए बंद कर देंगे, और फिर इसको फिर से बॉल का शेप देंगे। इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, स्मूथ बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले इसको हम मैदा के फ्लोर में लगाएंगे, फिर यहाँ पर हमने 1 अंडे को फेंटा हुआ था इसमें अच्छे से डिप कर देंगे।
और फिर ब्रेड क्रम्स या फिर कॉर्नफ्लेक्स को ग्राइंड कर लीजिएगा, उसमें कोट कर लेंगे। और इस तरह से हमारा चिकन चीज़ बॉल बनकर तैयार हो जाएगा। सेम प्रोसेस से हम सभी चिकन चीज़ बॉल को तैयार कर लेंगे। अब इसको फ्रोज़न करने से पहले 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि थोड़ा सा टाइट हो जाए, उसके बाद इनको हम फ्रोज़न करेंगे। हमने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिए थे, अब इसको जिपलॉक में डालकर इसको फ्रीज कर लेंगे। और ये लास्ट रेसिपी फ्रेंच फ्राई, चिकन चीज बॉल और फ्रेंच फ्राई बच्चों के फेवरेट होते हैं, तो आप इफ्तार में अपने बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राई और चिकन चीज बॉल जरूर बनाइएगा, ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। हमने आलू को फ्रेंच फ्राई शेप में काट कर धो लिया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालकर नॉर्मल पानी में डालकर गैस पर रख देंगे। हमें पानी को बॉईल नहीं करना है, सिर्फ तेज गर्म करना है। जैसे ही पानी हमारा गर्म हो जाएगा तब इनको छलनी में डालकर इनका सारा पानी निकाल लेंगे। अगर हम इसको उंगलियों की हेल्प से इस तरह से दबाएंगे तो हल्का दबना चाहिए, इसको हमें पकाना नहीं है। छलनी में निकालने के बाद इसमें हम फौरन ही ठंडा पानी को डाल देंगे ताकि हमारे जो फ्रेंच फ्राई हैं वो ओवर कुक ना हो। अब इनको हम 1 से 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे फैला देंगे ताकि ये ड्राई हो जाएं, और फिर इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाकर इनको फ्रोजन कर लेंगे। और आप सभी को रमज़ान मुबारक। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल या इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को थोड़ी हेल्प या फिर आइडिया मिल सके। ऐसे ही और नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।